हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए की पूरी। ये हमने आधा किलो बथुआ लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इसे उबालेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने भगोना ले लिया। अब हम इसमें बथुए को डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे उबालने के लिए। ये देखिए, हम इसमें पानी डाल रहे हैं। इसको हम दो तीन उबाल लगाएंगे, गैस पे रखते हैं। ये देखिए, इसको हमने गैस पे रख दिया उबालने। अब हम इसको 5 मिनट के लिए उबालेंगे। अब हम इंतजार करते हैं 5 मिनट का। ये देखिए, हमारे 5 मिनट हो गए। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, हमारा बथुआ उबल गया, ये गल गया बिल्कुल। अब हम इसको ठंडा पानी डाल के चन्नी में छान लेंगे। ये देखिए, हमने इसको चन्नी में निकाल लिया। इससे हमारा सारा पानी निकल जाएगा। अब हम इसे मिलाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, हम एक कटोरी आटा ले रहे हैं। इसे हमने चन्नी से छान लिया था। ये देखिए, हम आधी कटोरी और ले रहे हैं। अब हम इसमें बथुआ डालेंगे। ये देखिए, इसमें हम बथुआ डाल रहे हैं। बथुए का पानी हमने अच्छी तरह निचोड़ लिया था। ये हमने इसमें बथुआ डाल दिया। ये हमने बथुआ डाल दिया। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। हमने नमक डाल दिया। ये हम 1 चम्मच मिर्ची डालेंगे इसी हुई, और ये हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाएंगे। ज़्यादा नहीं डालना हमें, पहले थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसको अच्छी तरह मिलाना है। ये देखिए, हमने अच्छी तरह इसको मिला लिया। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डाल के मुक्की मारेंगे। ये देखिए, हमने ऑयल डाल लिया। अब हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, हम मिला रहे हैं। ये देखिए हमारा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम पूरी बनाएंगे। ये देखिए, जब तक हमारा आटा हमने 5 मिनट के लिए रख दिया, इतने हम कढ़ाई रख देते हैं गैस पे। इसमें ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख देंगे। हमारे 5 मिनट हो चुके। अब हम इसको खोल के देखेंगे। देखिए, हमारा आटा अच्छी तरह ढल चुका। अब हम ये पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए, हमारा पेड़ा बन के तैयार हो चुका। अब हम इसी तरीके से दूसरा भी बना लेंगे। ये हमारा दूसरा पेड़ा, हम इसको रोटी की तरह बेल देंगे। आप चाहे तो इसके पराठे भी बना सकते हैं। हम पराठे नहीं बनाएंगे, पूरी बनाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए, हम इसको काट देंगे। ये हमने काट दी। हमारा ऑयल हो चुका। अब हम इसको डालेंगे इसमें। देखिए, हमारी पूरी फूलेंगी है इसी तरीके से, सारी पूरी। ये देखिए, हम दूसरी भी बेल के दिखाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए, बिल चुकी। ये देखिए, बिल्कुल गोल बिल चुकी। सार हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। अब इसको भी हम सेक। ये देखिए,
कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है। हम इसी तरीके से सब ये हम निकाल रहे हैं। देखिए अब हम आपको गोल वाली बना के दिखाएंगे। बड़ा बना दिए, देखिए अब हम गोल बना रहे हैं। आप चल ये देखिए हमने गोल भी बना चुके हैं। अब हम इसको भी इसी तरीके से सेकेंगे। आप चाहे तो आप गोल भी बना सकते हैं। ये भी हमारी इसी तरीके से फूलेगी। ये देखिए ये फूल चुकी। ये देखिए हमारी पूरी अच्छी तरह फूल चुकी, सिक भी चुकी है। ये भी इसी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी तरह बनके तैयार हो चुकी, फूली फूली लग रही है। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, नीचे कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।